ये हमारे पास 1.5 मीटर कपड़ा है, इसका हम छोटे बच्चे का स्कर्ट बनाएंगे, वो बहुत ज़्यादा ढील वाला स्कर्ट बनाएंगे। तो ये मैंने पहले से काट के रखा है, इसकी काटने का तरीका मैं आपको इस कपड़े पे बताती हूँ। ये हमारे पास 1.5 मीटर कपड़ा है, इसको हमने ऐसे सिंगल था, फिर उसने लंबाई की साइड में हम इसको 4 फोल्ड कर लिया, मतलब डबल फोल्ड हो गया। जो मैंने स्कर्ट काटा है वही स्कर्ट का, फिर एक बार हम इसको कोने बाई कोने से फिर कट करेंगे, कोने बाई कोने से, ठीक है। उसके बाद में हम इसकी लंबाई तैयार रखती है, सॉरी 16 इंच का तैयार रखेंगे। तो ये हमने 16 इंच की इसकी लंबाई लेंगी, 1/2 इंच नीचे का मार्जिन, 1/2 इंच ऊपर का मार्जिन, तो 1 इंच का हम इसमें प्लास्टिक एक्स्ट्रा लगाएंगे, इसलिए हम ये 16 ही लेंगे। उसके ऊपर जो है ये 5.5, तो इधर से भी हम 5.5 करेंगे और बीच में भी हम 5.5 ही रखेंगे, ये हमारी गोलाई हो जाएगी ऐसे। अब ये हमने 16 इंच का लिया था, अब हम 16 इंच लेते जाएंगे और इसकी गोलाई करते जाएंगे। ये 16 इंच हम लेते गए, अब इसको हम सेम हमने ऐसे ही कट करके रखा है, ये हमारा हो गया ऐसे। इसको हमने पहले से कट किया, ये 1.5 मीटर कपड़ा है, 1.5 मीटर में घेरदार स्कर्ट हमारा बहुत अच्छा बनेगा, इसके ऊपर हम चोली भी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास ये 1.5 मीटर में ये कपड़ा बचा हुआ है, इसकी बस खाली हमें 2 स्ट्रिप लगा के चोली बना सकते हैं। ये चोली भी आपको बना के दिखाऊंगी, उसमें हमें कुछ नहीं करना, खाली बच्चे की हमें मोटाई लेनी है, ये छाती लेनी है, उसके बाद में हमें लंबाई लेनी है, लंबाई के बाद में हम ये फित्ते लगा देंगे। ये हमारा स्कर्ट है, अब हम इसको तैयार करके आपको दिखाएंगे, इसमें ऊपर प्लास्टिक लगाएंगे। ये हमारी 4 फोल्डिंग लेनी, 4 कटिंगे हैं, तो इसमें ये इतना सारा घेर होगा, ये हो गया, ये हो गया, इतना सारा घेर होगा प्लास्टिक, हम कमर के हिसाब से इसमें प्लास्टिक लगाएंगे, तो ये हमारी कमर तैयार इतनी रहेगी, उसे दुगना हम प्लास्टिक लगाएंगे। इसमें एक खाली इसी में हम प्लास्टिक डाल के और इसको कमर में एडजस्ट करेंगे। प्लास्टिक हमें 22 का डालना है, तो ये 22 के हिसाब से हमने ये 11 इंच का ले लिया, इसके अंदर प्लास्टिक से 2 गुना ज़्यादा हमने ये लेना, 22 का प्लास्टिक है तो ये हमने 44 का ले लिया, ठीक है। अभी हम प्लास्टिक से आधा हिस्सा डालना है, आधा हिस्सा इसका सारे लोग हो गया प्लास्टिक, हम 10 का डालेंगे।
ये हमारे पास प्लास्टिक, प्लास्टिक को हमें ऐसे बंद करेंगे, प्लास्टिक को भी बंद करेंगे। प्लास्टिक हमने यूज़ कर लिया था, इसे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर इसमें ये कम होगा तो इसमें थोड़ी क्वालिटी कम होगी। अगर हमारे पास कपड़ा बहुत है तो हम ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये प्लास्टिक डालने का हमारा बिल्कुल आसान सा तरीका है और बिल्कुल बराबर प्लास्टिक डलेगा। अब ये हम इसमें इसके बराबर इसको स्टिच करके देखते हैं कितना इसमें बढ़ता है। इसको फुल खिंचाई है और फुल खिंचाई इसमें हो गई। इसको हम ऐसे कवर करेंगे, ये मशीन की सिलाई को हम बड़ा करेंगे और फिर इसमें प्लास्टिक डालेंगे। सिल को नीचे इतना मुझे किस तरह हम इसको ऐसे कहते हैं और प्लास्टिक के ऊपर ही मशीन चलाएंगे। ये हमारे पास इतना ही कपड़ा बचा हुआ है भाई। ये लंबाई हमने 12 इंच की ले ली और थोड़ा ही हमने 22 इंच तैयार करना है, तो इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये हमने 6.5 का ले लिया। इसमें कंधे हम छोटे लगाएंगे क्योंकि इसमें 2 इंच की हम टिक्की लगाएंगे ऊपर, इसलिए फिर अगर हम 5 का ले रहे हैं तो इसमें 2 का ही कंधा लेंगे। 2 इंच के कंधे ले, इसमें हम इस गले को गोल भी कर सकते हैं थोड़ा सा, और इसमें 1 इंच या 1.5 इंच की फित्ती लगाएंगे, तो 1.5 इंच के बाद हम ये गोलाई करेंगे। उसके बाद में हल्का सा हम यहाँ इसको थोड़ा सा गोलाई में देंगे। इसको यहाँ मैं आपको काट के दिखाती हूँ क्योंकि इसमें निशान दिखाई नहीं देते, इसलिए इसको आप 1 इंच की गोलाई दे सकते हैं या सीधा भी रख सकते हैं, ये गोलाई भी दे सकते हैं। तो अब हम इसमें गोलाई देंगे, ठीक है। इसमें हम पिक्की लगाएंगे, तो ये हम 4 इंच की तैयार, और 1/2 इंच नीचे की तरफ सिलाई और 1/2 इंच, तो ये हम 5.5 या 6 कलर कर लेंगे। इसको हम ऐसे ये कपड़ा हम सब
बॉक्स हमारे पास छोटा है, उसी से सीखने का आसान सा हो। पहले इसको हम तैयार करते हैं। सीधा करेंगे, ये अंदर की साइड में चला जाएगा, ये हमारा तैयार हो गया। इसको दुबला भी बोल सकते हैं, सिंगल भी बना सकते हैं, ये डबल भी बना सकते हैं, छोटे बच्चे का भी बना सकते हैं, 2 महीने के बच्चे का भी बना सकते हैं और बड़े बच्चों का भी बना सकते हैं। Please, please.